हेलो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं बेसन वाली मिर्ची। ये मैं मिर्चों को कट कर रही हूँ। पहले मैंने इन्हें अच्छे से धो के रख लिया था, अब मैं इनको कट कर रही हूँ। ये राजस्थान की फेमस मिर्चें हैं, बेसन वाली मिर्ची। ये वाली जो मिर्च होती है ना, ये बहुत तीखी नहीं होती है, इसको आप खा सकते हो। ये मैंने मिर्ची कट कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा सौंफ। हम थोड़ा सा वाटर डाल के इसका घोल बना लेंगे। चमची हमने लिया है ऑयल। अभी ऑयल हमारा हीट अप हो जाएगा। मैंने इसमें लिया है जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच सरसों, मस्टर्ड सीड और मेथी दाना, ये 1-1 चम्मच तीनों चीज़ें ली है। और थोड़ी सी अजवाइन ली है। तड़का लगाऊंगी। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब मैंने इस तीनों चीज़ें इसमें डाल दी है। अभी हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे ये मिर्ची। फ्लेम को लो कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा सौंफ और हींग। इसको मिक्स कर देंगे, इसको पकने देंगे थोड़ा सा। जब तक पकाना है जब तक बेसन बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाला है। ये हो गई हमारी बेसन वाली मिर्च रेडी। इन्हें मिर्ची के तपोड़े भी बोलते हैं। स्पेशली ये राजस्थान की डिश है, मारवाड़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो।